हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों देखिए बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियो किससे क्रिएट करते हो, कैसे आप वीडियो बनाते हो और साथ ही वो बोल रहे थे कैसे आप थंबनेल बनाते हो, कैसे आप एडिटिंग करते हो। तो दोस्तों सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यूट्यूब क्रिएटर हो अगर आप तो एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐप जो है उसको चलाना चाहिए, कौन कौन से ऐप यूज़ करने चाहिए थंबनेल के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो को परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन उसको यूज़ करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन जो है जरूर चलाना चाहिए, जरूर इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए, तब जाके आपका जो वीडियो है ग्रो करेगा, आपका चैनल जो है ग्रो करेगा और आपकी वीडियो जो है जल्द से जल्द वायरल होगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो YouTube की वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे चार सॉफ्टवेयर है, यानी कि चार एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल के अंदर। जो कि दोस्तों हमारे पास जो पहला वाला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है काइनमास्टर। तो दोस्तों ये वाला जो है ये काइनमास्टर ये एप्लीकेशन है। इस काइनमास्टर से जो है आप अपने यूट्यूब का जो वीडियो है उसका एडिटिंग कर सकते हो। कैसे प्रॉपर एडिटिंग करना है यूट्यूब वीडियो को काइनमास्टर से, अगर आपको नहीं पता है काइनमास्टर को कैसे यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पर देखो, लिंक यहाँ पर मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि काइनमास्टर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों काइनमास्टर से वीडियो एडिट कैसे करते हैं उसका वीडियो का लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो कि काइनमास्टर को कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरे एप्लीकेशन हमारे पास है दोस्तों वो है पावर डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों ये वाला पावर डायरेक्टर ये वाला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप जो अपना यहाँ वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो जो है एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन है पावर डायरेक्टर, इससे भी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिट करना नहीं आता, आप लोग चाहते हो पावर डायरेक्टर से वीडियो कैसे एडिट करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसके ऊपर जो है वीडियो बना दूंगा और बताऊंगा वीडियो में कि कैसे पावर डायरेक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर, तो दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन से जो है आप अपने यूट्यूब का वीडियो जो है एडिट कर सकते हो और मैं इन दोनों एप्लीकेशन से ही वीडियो को एडिट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों हम आते हैं थंबनेल पे। तो दोस्तों थंबनेल कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से मैं थंबनेल बनाता हूँ वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए आपके पास पिक्सल लैब ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। इस एप्लीकेशन का आप लोगो देख सकते हो, इस एप्लीकेशन का मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन का लोगो है, इस लोगो को आप देख लो, ये वाला है पिक्सल लैब ये एप्लीकेशन है। इससे जो है यूट्यूब के जो थंबनेल होता है उसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, इमेज साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो दोस्तों जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वो साइज़ यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक्निकल जीनियस, में अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने टेक्निकल जीनियस लिख दिया है। यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने यूट्यूब का थंबनेल जो है बना सकते हो। कैसे थंबनेल प्रॉपर बनाते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जो है बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि है दोस्तों नॉइस रिडक्शन। जी हाँ दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का जो यूज़ होता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन को किस लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप YouTube वीडियो कोई भी शूट करते हो तो दोस्तों जब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो वॉइस के पीछे जो भी नॉइस रिडक्शन जो होती है, जो भी नॉइस आती है, मतलब बाहर की जो भी आवाज़ें आती हैं उस वीडियो के जो है, उस वीडियो का जो रिडक्शन होता है पीछे का नॉइस रिडक्शन, उसको आप यहाँ से जो है रिमूव कर सकते हो। सिंपली आपको इनपुट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग लगेगा, यहाँ पे घूमेगा, मर्ज करेगा ऑडियो को और यहाँ पे जो दोस्तों सेव कर लेना है वीडियो को। आपका जो नॉइस रिडक्शन जो होता है दोस्तों वीडियो का, वो पूरा नॉइस जो है आपका, तो दोस्तों वो आपका बैकग्राउंड का जो नॉइस रिडक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये चारों एप्लीकेशन है जो कि मैं चारों एप्लीकेशन से जो है वीडियो एडिटिंग करता हूँ और थंबनेल बनाता हूँ और वीडियो का नॉइस जो है उसे हटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक है काइनमास्टर और एक पावर डायरेक्टर और एक है पिक्सल लैब और एक से नॉइस रिडक्शन। तो दोस्तों इन चारों एप्लीकेशन का जो लिंक जो है दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और साथ ही दोस्तों अगर आपको कुछ भी कमेंट में पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हो पावर डायरेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, पिक्सल लैब को यूज़ कैसे करते हैं थंबनेल के लिए और बैकग्राउंड का नॉइस कैसे रिमूव करते हैं वीडियो का, अगर आप लोग चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा कि कैसे इनका यूज़
किया जाता है। तो दोस्तों ये चारों एप्लीकेशन मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी YouTube क्रिएटर हो, अगर आप YouTube की वीडियो शूट करते हो, अगर आप YouTube की वीडियो बनाते हो, तो दोस्तों ये चार एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों कैसे यूज़ कर रहे हैं इन चारों एप्लीकेशन को, अगर आप चाहते हो, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता इस एप्लीकेशन को, अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर मैं आपको बताऊँ कि कैसे यूज़ करते हैं पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर या पिक्सल लैब या फिर नॉइस रिडक्शन एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं चारों एप्लीकेशन को बता दूंगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप YouTube क्रिएटर हो तो ये एप्लीकेशन आपके पास होना जरूरी है, ताकि आपका वीडियो प्रॉपर एक वीडियो, एक बेहतरीन एक प्रोफेशनल आपका वीडियो एडिट कर सको आप उसके अंदर और वीडियो का पोस्ट कर सको। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। We'll be right back.